आपकी ओर चेहरा किए हुए पांच लड़कियां आपके सामने बैठी है। कितनी लड़कियां? रो मैंने बना दिया पांच लड़की, दो तीन चार और पांच। अब देखिएगा इसमें कहीं छोर से रिलेटेड कोई लाइन है तो देखिएगा, एक ही लाइन तो देवे किया, इसका मतलब अरेंजमेंट आसान वाला है, चूंकि अरेंजमेंट बड़ा होता है। अभी दिया है चूंकि रेलवे में पूछा गया तो आसान आपसे पूछा गया है। तो देखते हैं, रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं और किसके, ऊर्जा के दाएं कौन है? रूही। अब बाएं कौन है? मनाली। क्या यहां तक समझ में आ गया? अब अगला लाइन इन दोनों से रिलेटेड मिल जाए तो काम बन जाएगा। मनाली व तान्या के बीच में ध्वनि है, मनाली व तान्या इधर तो होगा इधर ही ना होगा, तान्या के बीच में कौन है? अभी अपने आप यहां अरेंज हो जाएगा। देखिएगा पांच नाम था, पांच आ गया, इसका मतलब यहां कौन होगा? तान्या। यहां कौन होगी? ध्वनि। हा या ना? यहां कौन होगी? मनाली। और बोलिए ऊर्जा, और बोलिए। अब आंसर देना आसान हो गया होगा, दे सकते हैं। तान्या के दाएं कौन बैठी है? इधर दाएं ना होगा, इधर कौन होगा? बाएं। तान्या के दाएं कौन बैठी है? जल्दी बोले, ध्वनि। आंसर देने आया, आगे क्या लिखा हो? कौन बीच में बैठी है? बीच में कौन है? मनाली। आगे तीसरा हो गया, दो ये था। क्या बनाने आया आप लोगों? तो नेक्स्ट अरेंजमेंट आप लोग जरा देखिएगा, तीसरा नंबर सीखिए क्या लिखा हुआ। पांच विद्यार्थी प्रियंका, मैरी, सुनील, आशा व रियान एक कतार में खड़े हैं। चलिए कतार में मैंने पांच को खड़ा कर दिया, एक दो तीन चार और। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि छोर से रिलेटेड मिल जाए, ध्यान दीजिए। प्रियंका सुनील से, प्रियंका और सुनील से क्या लिखा? प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है, मतलब प्रियंका और सुनील इन दोनों से क्या है? आगे खड़ा है कौन? रियान। रियान व आशा के बीच में सुनील खड़ा, सुनील व मैरी के बीच में रियान खड़ा है। कतार में सबसे प्रथम कौन है? मुझे अभी और नहीं पता चला। एक दो तीन चार और, क्या नाम? सीखिएगा। प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है, यहां प्रियंका, यहां सुनील, इधर रियान। आगे का मतलब समझ रहे होंगे बाद में, है ना? प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है, रियान व आशा के बीच में सुनील है, रियान और आशा के बीच में कौन है? सुनील। तो ध्यान दीजिए, सुनील सही है। आगे क्या लिखा? सुनील व मैरी के बीच में रियान खड़ा है, सुनील और कौन? रियान खड़ा है, सही है। अब देखिएगा लिखा जो पहला लाइन था, प्रियंका और सुनील से रियान आगे खड़ा है, तो प्रियंका और सुनील दोनों से, यानी इधर प्रियंका हो जाएगी, आया ना? क्योंकि प्रियंका और सुनील से आगे है रियान, सही है। अब पूछता क्या है जल्दी देख लीजिए, सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले कौन है? प्रियंका। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे? प्रियंका। क्या आंसर देने आ जाएगा? नेक्स्ट, पी के बगल में ए बैठ, देखिएगा छोर कहीं लिखा हुआ है, देखिए तो है लिखा हुआ, ई के साथ डी बैठा, ए के साथ डी नहीं बैठा, तो बेंच के जो आता है किसके लिए? डी के लिए। डी क्या है? बाएं किनारे पर है। डी कहां है? एक लाइन आपको समझाना चाहूंगा, जरा इंग्लिश वाले प्रश्न देखिए, इंग्लिश में देखिए, क्या
यहां क्या लिखा हुआ देखिएगा, गड़बड़ कर देते हम लोग। ही इज नॉट सीटेड विथ हु इज ऑन द लेफ्ट एज। देखिए तो हु किसके लिए आया है, देखिए हिंदी में देखिए गड़बड़ कर दिया, केयर कीजिएगा। जहां कहीं भी हु बीच दैट आएगा ना विद्यार्थी जी, उसके बगल में कोई ना कोई नाउन होगा। आप लोग अगर इंग्लिश ग्रामर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है कि नहीं। रिलेटिव प्रोनाउन तभी यूज होता है जब उसके बगल में कोई ना कोई नाउन होता है, और उसी के लिए यूज होता है। तो इसके जस्ट बगल में नाउन कौन है, ई के पढ़ना है। तो देखिएगा हुई तो हु की जगह कौन हो गया, ई इज ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द बेंच, है ना। और क्या लिखा है, सी इज सेकेंड टू द राइट, मतलब सी दाएं छोर से दूसरा, सी दाएं छोर से दूसरा, आई क्या है बाएं छोर पर है, ये कहां है बाएं छोर। चलिए अब आ जाइए, आप लोग को हिंदी पसंद है तो हिंदी में, इंग्लिश पसंद है तो, लेकिन हु वाले पे जरूर केयर कीजिएगा, हु भी दैट पे नेक्स्ट केयर कीजिएगा। ए और सी एक साथ बैठा हुआ, ए और सी क्या है, ए और सी एक साथ बैठा हुआ है विद्यार्थी जी, तो ए इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है और ए, तो मैंने कहा ए अगर एक बार यहां दे दे तो दूसरा रो में विद्यार्थी जी आप लोगों को चूंकि दो केस दिया जा रहा है, ई सी आई ए यहां हो जाएगा कि नहीं होगा। आगे जो लाइन पढ़ा हुआ है पढ़ते जाइएगा, बी के बगल में देखिए क्या लिखा हुआ, ऊपर लाइन पढ़िए, बी के बगल में ए बैठा है, तो बी के बगल में ए देखिए तो इसमें होगा कभी नहीं, अर्थात बी के बगल में कौन बैठा है, ए। एक नाम बच कौन गया जल्दी, कौन डी। अब देखिए तो कहां कुछ लिखा हुआ, डी के बगल में देखिए तो डी के बगल में सी है, ई के साथ डी नहीं है, देखिए तो ई के साथ डी नहीं ना है। देख लीजिए सी दाएं छोर से दूसरे स्थान पे, ये सब तो पढ़िए लिए थे, तब क्वेश्चन पढ़िए, ए किस स्थान पे बैठा है जल्दी बोलिए, बी और सी के बी। फिर से एक बार अरेंजमेंट सीखिएगा, हमने आप लोगों को कहा कितने मेंबर हैं, सबसे पहले किसको पढ़िएगा जो छोर से रिलेटेड हो, सी दाएं छोर से दूसरा है, सी दाएं छोर से आगे, ई बेंच के बाएं किनारे पर है, यहां पे गलत लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा, यहां लिखा रहना चाहिए डी ई के साथ नहीं है, जो डी इधर होना चाहिए, डी इधर होना चाहिए और ई डी के साथ ई नहीं बैठा है, जो बाएं छोर किनारे पर है, बाएं किनारे पर कौन है विद्यार्थी जी। अब रुकिएगा देखिएगा क्या लिखा हुआ, इसी से रिलेटेड मिलेगा तभी आपका काम बनेगा, केयर कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, पी और ई के दाएं कौन है, बी और ई के दाएं ए है, इससे भी फायदा भी नहीं होगा। देखिएगा ए और सी एक साथ बैठा है, तो ए और सी एक साथ बैठा है मतलब ए इधर भी हो सकता है, ए अभी किधर होगा कंफ्यूजन में इसलिए मैंने घेर के रख दिया। आगे देखिएगा कहीं लिखा हुआ था डी के बगल में, अब डी के बगल में सी बैठा है, अच्छा इससे भी अभी फायदा नहीं होगा। आगे देखिए बी के बगल में ए बैठा है, तो बी के बगल में ए, अगर ए यहां रहेगा तो बी बगल में होगा कभी नहीं होगा, अर्थात ही कैंसिल हो गया, यानी ए यहां कंप्लीट हो गया, इसके बगल में बी है, इसके बगल में क्या दिया था डी। अब आप लोग प्रश्न पढ़िएगा आंसर मिल जाएगा, तो ए के कहां बैठा है, तो बी और सी के बीच बनाने आ जाएगा। यदि आप घर बैठे अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से स्टडी ट्रेंड ऐप को डाउनलोड करें।